इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, विकास अध्ययन संस्थान, ये झालाना में है और यहाँ पर ये Y20 का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन हुआ था। और फॉर्चुनेटली इस 24 तारीख को मौसम बड़ा सुहावना था, ऊपर काले बादल छाए हुए थे, नीचे हरियाली थी, टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के आसपास रहा होगा, तो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे मिनी शिमला में हम लोग घूम रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो हरियाली बहुत अच्छी है, लश ग्रीन एनवायरनमेंट जिसे आप कहेंगे वो है यहाँ पर। और ये सामने बिल्डिंग्स जो है वो इसी डिपार्टमेंट की है, इस इंस्टीट्यूट की है। अब एंट्री लेने का टाइम हो चुका है, आइए एंट्री लेते हैं इस बिल्डिंग में और देखते हैं इस Y20 सेशन में क्या प्रोसेस। खुल जा सिम सिम, ये Y20 का जो प्रोग्राम है उसका कॉन्फ्रेंस हॉल है। इसके अंदर लगभग 40 के आसपास मेंबर्स थे जिन्होंने Y20 का ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन अटेंड किया था। What we face is when we talk about manufacturing, usually nobody talks about manufacturing and a startup, right? We always talk about, when we talk about startup, we talk about apps and IT and that's it, right? So there is one big problem with manufacturing startup, that the finances, other than the labor and skilled labor, who understand that this is a startup and we are building something which takes time, you have to believe in it. So this is one big challenge that we are facing. So any suggestion over this? So the skill point I had sort of flagged is, and so the only way to handle this, of course, is there are so many schemes which... Can I ask another chat question? Yes, absolutely. The three speakers, what part of the, you said that you want to aspire to become... Y20 का ये सेशन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड गेम्स की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लाइव था। उस लाइव सेशन का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप पूरा सेशन जो है वो देख सकते हैं। अब मुझे नहीं पता था कि ये सेशन लाइव था, बट मैंने सोचा 2-3 फोटोज तो खिंचवानी ही खिंचवानी है भैया, फोटो तो खिंचवानी है, तो मैं चला गया इसका जो बैनर लगा हुआ था उसके सामने। एट द सेम टाइम लाइव सेशन ऑन था MASYS की मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो मैं मेरी फोटो खिंचवाने में मस्त हो रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि लाइव सेशन के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। वहाँ कोई अटेंडेंट थे, मैंने उनसे कहा कि आप मेरी फोटोज़ खींचने में हेल्प कर दीजिए, तो उन्होंने मेरी फोटोज़ खींची, 2-3 अच्छी फोटोज़ उन्होंने मेरी खींची हैं, क्लिक की हैं, थैंक यू भैया। और वास्तव में सही में नहीं पता था कि लाइव सेशन है। अगर आप लाइव सेशन देखेंगे एग्जैक्टली जो ये रिकॉर्डिंग आपको इस व्लॉग में दिख रही है वो रिकॉर्डिंग उस लाइव सेशन में भी हुई है। तो ये जो ब्लॉपर होते हैं ड्यूरिंग ऐसे इवेंट्स या ऐसी शूटिंग्स के, वो कुछ मेरे साथ हो गया। मुझे नहीं पता था लाइव है, अगर मुझे पता होता कि ये सेशन लाइव चल रहा है, यूट्यूब पर लाइव दिखाया जा रहा है और ऐसी रिकॉर्डिंग लाइव सेशन में होगी तो मैं फोटोज नहीं खिंचवाता। बड़ा अजीब लग रहा है, बट हाँ आप नहीं पता था, आगे ध्यान रखूंगा, अगर कहीं पे कैमरेज लगे हुए हैं पूछ लूंगा कि भैया आप लाइव सेशन तो नहीं कर रहे हैं, अगर कर रहे होंगे तो ऐसे फोटोग्राफी तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगा जिससे पूरे मतलब स्क्रीन जो है उन्होंने स्टॉप कर रखी है लेकिन उस स्क्रीन के आगे पीछे मैं आपको दिखाई दे जाऊं या मेरे जैसे ही कुछ और दिखाई दे जाए। बड़ा अजीब सीन।